वन प्लस की 9 सीरीज के अंदर एक और मेंबर ऐड होने वाला है, वन प्लस 9RT, और ये लॉन्च होने वाला है 13 अक्टूबर को, यानी कि अभी पिछले एक मान सकते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लॉन्च कर दिया जाएगा इन चाइना। इंडिया में भी ये लॉन्च होने की उम्मीदें हैं, बट फिलहाल कन्फर्म लॉन्च डेट का नहीं पता है कि किस डेट को लॉन्च होगा, बट हाँ ये कन्फर्म है कि लगभग लगभग कि इंडिया में ये आ सकता है अगले एक मंथ के अंदर। और फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन प्लस 9RT के अंदर हमें क्या कुछ स्पेशल देखने के लिए मिलने वाला है और क्यों ये फ़ोन इतना हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 888 भी देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि बहुत ही कम प्राइस पर होगा। जी हाँ, इसकी जो प्राइस है वो उम्मीद की जा रही है चाइना के अंदर के 2000 युआन से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो 23,500 के आसपास, यानी कि 23,500 24,000 के आसपास, यानी कि 25,000 रुपये से नीचे इसके आने की उम्मीदें हैं। स्नैपड्रैगन 888 अंडर 25,000 एक बहुत ही अच्छी डील है। आप सब जानते हैं कि स्नैपड्रैगन 888 किस लेवल का प्रोसेसर है, जो कि आपको वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस इन एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि 30,000 रुपये से नीचे आना भी इसके लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, बट यहाँ पर ये आपको 25 से नीचे भी देखने के लिए मिल सकता है वन प्लस 9RT के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD+, और साथ में 120Hz भी होने वाली है ऐसी उम्मीदें हैं, और 4500 mAh की बैटरी के साथ साथ 65W की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो इसका कैमरा है, जो कि हाईलाइट किया जा रहा है, पहले बात हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो सामने की तरफ पंचोल होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ एक छोटा सा पंचोल देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है। बट रियर कैमरे में जो हाईलाइट की जा रही है वो है सोनी का IMX766 सेंसर, जो कि 50 मेगापिक्सल का है, जो पहले भी वन प्लस के और फोन्स में आ चुका है, तो यहाँ पर वो एक मेन सेंसर के तौर पर आने वाला है। तो आप ये सोचिएगा कि कैमरा के साथ साथ और सब चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश है, बट फिलहाल देखने वाली बात ये होती है कि क्या ये अंडर 25,000 भी वैसा ही ऑप्टिमाइजेशन, वैसा ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रख पाते हैं या नहीं, जैसा कि ये अपने फ्लैगशिप लेवल के जो कैमराज हैं उनके अंदर रखते हैं। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो रियर कैमरे का डिज़ाइन सेम टू सेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। ट्रिपल कैमरे का हमें सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आमतौर पर वन प्लस 9 सीरीज़ के अंदर देखने के लिए मिला ही है, और इसकी प्राइस मैंने आपको बता ही दी है, 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में कहीं भी लाइक कर सकता है, ऐसा र्यूमर्स का कहना है। तो आई होप कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे इस स्मार्टफोन के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप एक्साइटेड हो वन प्लस के इस फ़ोन के लिए, 9RT के लिए, जो कि 9R का सक्सेसर होने वाला है, और क्या आपको लगता है कि ये फ़ोन धमाल मचा पाएगा और ये इंडिया के अंदर 25,000 में आ पाएगा। बाकी ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस जो भी होंगी, कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा 13 अक्टूबर को, जब ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।